So next, so today we have to plot the graph of, that is, velocity versus x. Okay, velocity versus x. That is, we have to find out. But first of all, we have to find out the relation between the velocity and x. We have to find out the relation between v and x. Relation between v and x. So हमें first of all find out करना है relation between v and x. कैसे मिलेगा यह हमें relation? देखो अभी सीखे देखो. How you can find out this particular relation between v and x? So for that, जैसे हमें पता है f का relation पता है आपको, f versus x का relation पता है, then आपको acceleration versus x का भी relation आपको पता है, बराबर है? Acceleration is equal to minus omega square x, बराबर? So वहाँ से हमें ये दोनों relation पता है. अभी हमें velocity, कल हमने पता था, velocity we have to find out now. So velocity versus x का relation हम यहाँ से calculate करेंगे, ठीक है? So note down the topic, that is the relation between v and x. So here, in one which formula that you are going to calculate this? कहाँ से निकालोगे इसको तुम? कहाँ से निकालोगे? So देखो, सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें acceleration का हमें relation पता है. What is the relation of acceleration? Acceleration का relations क्या है? चलो बताओ. Acceleration, yes, acceleration is equal to minus omega square x, बराबर है? Minus omega square x. Omega constant, yes, a is equal to minus omega square x. हमने कल ही देखा था, एक relation हमें पता है. So यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? देखो, यहाँ से कैसे निकालेंगे? So हमें velocity चाहिए, तो acceleration को velocity कैसे लिख सकते हैं हम? हमें पता है क्या इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, ठीक है? क्या बताया हमें? That is velocity is equal to क्या रहता है? Velocity is equal to dx by dt. Velocity क्या रहेगा? Dx by dt रहता है, बराबर है? And acceleration is equal to what? Acceleration is equal to, yes, acceleration क्या रहेगा तुम्हारा? Dv by dt, rate of change of velocity and rate of change of displacement. That is the velocity and rate of change of velocity is the acceleration. So just put this value over here. Just यहाँ पे put करो. So acceleration की जगह पे हम put करेंगे, क्या put करेंगे? That is, yes, dv by dt put करना है. ठीक है, क्या put करना है? That is rate of change of velocity. Okay, that is change of velocity with respect to the time is equal to minus omega square x. Clear? Since कैसे लिखा तुमने? Since that is acceleration is equal to dv by dt. Acceleration is equal to dv by dt. Now therefore here हमें velocity क्या बताया अभी? Velocity क्या रहता है? Velocity, velocity पता होगा ना आपको? Velocity हम कैसे लिखते हैं तो? Velocity, yes. वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम? dv by dx, वहां पे लिख के दिया ना तुमको, यहाँ पे दैट इज dv. वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम? दैट इज dv by dx. सो नोट डाउन हियर. सो हमें वेलोसिटी को लिखना है dx by dt. यहाँ पे वेलोसिटी को लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे वेलोसिटी के लिए? देखो, dv by dt क्या चेंज करना है हमें यहाँ पे? सिर्फ हमें डी एक्स बाय डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है बोथ ऑन वन साइड. यहाँ पे हम डी एक्स बाय डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे क्या चेंज किया है? मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय डी एक्स बाय डी एक्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने सिर्फ वन से मल्टीप्लाई किया है, बराबर है? dv by dt को हमने मल्टीप्लाई किया dx by dx से. सो देखो अभी यहाँ पे क्या मिल जाता है. सो dx by dt, देखो इधर dx by dt क्या है तुम्हारा? देखो dx by dt क्या है? dx by dt is nothing but what? Yes, dx by dt तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलता है, बराबर है? क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है. जस्ट पुट दैट वेलोसिटी ओवर हियर. सो dv dx by dt इज व्हाट? वेलोसिटी, बराबर है? नीचे क्या है? dx, सो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x. इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है? देखो, सो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? dx by dt दैट इज v, dv by dx. क्लियर? सो नाउ यू हैव सॉल्व, मैथ में तुमने सॉल्व किया होगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा.
सो वी डीवी दो वेरिएबल है यहाँ पे चेंज होने वाले, एक तो वेलोसिटी दैट इज डीवी यानी के क्या है वेलोसिटी, और डीएक्स दैट इज द डिस्टेंस। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स को इधर भेज दो, बराबर है, ये वेरिएबल डीएक्स के साथ में जुड़ जाएगा, एक्स डीएक्स के साथ में जुड़ जाएगा, वी डीवी के साथ में जुड़ जाएगा, बराबर है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हमारा, बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय इंटीग्रेशन, कैसे सॉल्व करते हैं, बाय इंटीग्रेशन। हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय जस्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो टू इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ओके। सो हियर आई विल इरेज दिस थिंग्स नाउ, फास्ट लर्न हियर फास्ट। चलो सो इंटीग्रेट करना है, कौन सा इंटीग्रेट करेंगे, हमें वैल्यू भी चाहिए, डिफाइनाइट करें या इनडिफाइनाइट करें, यहाँ पे बोलो, जताओ जल्दी, बोलो जल्दी, इनडिफाइनाइट करेंगे, डिफाइनाइट यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू हम वहां पे स्पेसिफाइड करेंगे, उसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोला जाता, लिमिट हम स्पेसिफाइड करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट में हम कोई इंटीग्रेशन लिमिट प्रोवाइड नहीं करते, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करते समय हमने कल स्टडी किया है, क्या स्टडी किया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये तुम्हारा मीन पोजीशन है और ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक के, क्लियर। और यहाँ पे तुम्हें कोई किसी एक पॉइंट पे, लेट सपोज दिस इज अ रैंडम पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, इस तरफ भी हो जा सकता है मीन पोजीशन, ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन, हमें ऐसा कोई भी एक पॉइंट लेना है, वहां पे हमें वेलोसिटी निकालना है, बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। हमें एक रिलेशन तैयार करना है वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ओके। लेट सपोज वी आर टेकिंग एनी पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, सो कैसे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग दी अबाउ इक्वेशन, यस इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, यस इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट करो बोथ द साइड्स, यहाँ पे क्या मिलता है तुमको, चलो बताओ फास्ट, ब्लैक पेन, यस इंटीग्रेटिंग दैट इज वी डी वी, बराबर है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स डी एक्स, क्लियर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ हियर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे वेरिएबल देखो एक्स डी एक्स, यहाँ पे वेरिएबल है वी डी वी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही, यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बराबर है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कहां से कहां पे चेंज होगा, वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज होगी, इसके लिए हमें ये डायग्राम इसेंशियल है, देखो अभी, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब डिस्टेंस एक्स रहेगा यहाँ पे, सिंस यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू, अगर जीरो लेते हो तुम, मुझे बताओ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी तुम्हारी, मैक्सिमम रहती है ना वेलोसिटी, बराबर है, वेलोसिटी क्या रहती है तुम्हारी, मैक्सिमम, बराबर है। और अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए लेते हो, एक्स इज इक्वल टू ए लेते हो, दैट इज प्लस ए, हम यहाँ से ले रहे थे एक्स इज इक्वल टू ए, तुम्हारा एम्पलीट्यूड ये, ठीक है, यहाँ से पार्ट, यहाँ पे पार्टिकल है तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू ए, देन मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, वेलोसिटी विल बिकम जीरो, ये तो हमने कल ही बता दिया है आपको, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन पे लेते हैं, तो हमारा वेलोसिटी क्या आएगा, दैट इज जीरो, वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। सो लेट्स वी विल मूव फ्रॉम दैट पॉइंट, ओके। सो यहाँ से जब x हमारा प्लस ए होगा, बराबर है, प्लस ए होगा, x हमारा प्लस ए, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, तब हमारा वेलोसिटी, बराबर है, वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो, बराबर है। इसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं, हम एनी पॉइंट हम लेके जाना चाहते हैं, या इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे, एक कैसा तो भी एक डिस्टेंस है इन बिटवीन मीन पोजीशन टू ए, इन बिटवीन दिस मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन में का कोई भी एक पॉइंट है, वहां पे हमें वेलोसिटी निकालना है, सो वी विल डिनोट इट बाय एक्स, उसको हम डिनोट करेंगे, दैट इज एक्स। लेट सपोज दिस इज द एक्स वेरिएबल, एंड वहां पे तुम्हारी वेलोसिटी, लेट सपोज स्मॉल बी बी द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, स्मॉल ईवी क्या बन गई वहां की वेलोसिटी। फिर से एक बार बता दूं, तुम्हें एक्सट्रीम पोजीशन की वेलोसिटी पता है, एक्सट्रीम पोजीशन एक्स, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या रहता है, एम्पलीट्यूड, वहां पे वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। और क्योंकि हमें वेरिएबल डिफाइनाइट इंटीग्रेशन देना है, तो लिमिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट सपोज एक्स इज एनी डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, लेट एक्स बी द डिस्टेंस एट विच द वेलोसिटी विल बी वी, यहाँ पे लिख सकते हो तुम, लेट that x be
any distance, okay, any distance where velocity will be small v. Clear? Therefore, ठीक है, देखो यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन हो गया. अभी बताओ, इंटीग्रेशन तो पता है ना सबको, इंटीग्रेशन पता है. यस, इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी डीवी का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, फास्ट. इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी क्या आएगा? वी स्क्वायर बाय टू आता है, बराबर है. वी स्क्वायर बाय टू लिमिट प्रोवाइड करो, लिमिट क्या आएगा? जीरो टू, दैट इज स्मॉल वी, बराबर है. इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू आता है, पता है. यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बराबर है. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बचेगा, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, बराबर है. लिमिट प्रोवाइड कर दो, लिमिट क्या आ जाएंगी यहाँ पे देखो, लिमिट दैट इज प्लस ए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ए दैट इज प्लस ए टू द एक्स. ओके, सो नोट डाउन अप टू दिस, नोट डाउन करो इसको. क्या है नोट डाउन? नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. चलो अपर लिमिट पुट करते हैं, तो वी स्क्वायर बाय टू मिल जाएगा. पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? चलो लोअर लिमिट माइनस वी के जगह पे जीरो पुट कर दो, जीरो स्क्वायर बाय टू दैट इज जीरो ही मिल जाएगा तुम्हें, बराबर है. ओके, जीरो पुट कर दे यहाँ पे, देखो पुट अपर लिमिट माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, अपर लिमिट दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू, पुट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है ना, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. क्लियर? सो व्हाट यू विल गेट हियर, इरेज कर सकता हूं यहां से, नोट डाउन कर लो, इरेज करो. अरे नोट डाउन किया है क्या? चलो फास्ट. नाउ हियर, चलो बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यस, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. क्लियर है? ओके, सो क्या कॉमन है इसमें? क्या कॉमन आता है? वन बाय टू कॉमन ले सकते हैं. देयरफॉर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू, और एक टर्म यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, दैट इज ओमेगा. माइनस को अगर यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, वन बाय टू बाहर ले लेंगे, ठीक है. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन बाय टू बाहर ले रहे, वन बाय टू बाहर ले लिया, सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाय टू हो जाएगा. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू बन जाएगा, और ये प्लस टू टू चला जाएगा ना यहाँ पे, टू तो अभी थोड़ी बचेगा अभी, ठीक है, टू नहीं बचेगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बचने वाला है? सिर्फ दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस माइनस दैट इज प्लस ए स्क्वायर. सो चलो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा? दैट इज वन बाय टू गेट कैंसिल. सो व्हाट यू विल गेट हियर? यस, चलो क्या बचेगा यहाँ पे? देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी. यस, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम्हें वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ व्हाट विल बी द ग्राफ, कौन सा ग्राफ बनाएंगे ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है. ओके, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट, ओमेगा बाहर निकलेगा ना यहाँ से, ठीक है. सो वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में है तो ओमेगा बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे? अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बराबर है. स्क्वायर रूट तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वन रिप्रेजेंटेशन. दिस इज ऑल्सो वन रिप्रेजेंटेशन. वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर? वेलोसिटी पॉजिटिव भी रहेगी या निगेटिव भी रहेगी ना, पता है ना यहाँ पे ऑसिलेशन में. यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओ. सो बोथ द वे, ठीक है. यस, टुवर्ड्स नेगेटिव. चलो नोट डाउन किया है, चलेगा नोट डाउन. चलो फर्स्ट, यस,
Now this equation, whether it is a straight line, अभी हमें relation निकालना है v versus x का, हमें relation निकला है v versus x, and पूछा जाता है which line or which of the following is the equation for relation between v and x, कौन सा line है, that is hyperbola है, parabola है, ellipse है, straight line वगैरह, तो हमें निकालना है, जैसे यहाँ पे हमने बता दिया था वहाँ पे f versus x, a versus x का straight line, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें इसका इक्वेशन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, ठीक है, चलो क्लियर है, डाउन करो फास्ट, करो इरेज, इरेज कराइचा का, कराइचा का इरेज, चला फास्ट, इरेज कराइचा का इक्वेशन, हे जी इक्वेशन यूज होणार आहे, हो सर, चलो डन 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 डन, ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या मिला है देखो, दैट इज वी इज इक्वल टू, एक इक्वेशन मिला है वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है तुम्हारे पास में बराबर है, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर लेते तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस निकल जाएंगे स्क्वेयर करने के बाद, बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ना क्या अपन कैसे हो गया, ऐसे नहीं बनता, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, चलो लिखा है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर निकल जाएगा, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है, सो नाउ हियर हियर जस्ट ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे नीचे ले लो, सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, ए वी वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो तो क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, बराबर है, ठीक है, सभी वेरिएबल एक साइड में ले रहे हैं और कॉन्स्टेंट एक साइड ले रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे ये वेरिएबल्स, सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर मिला है, ठीक है, अभी सभी को ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सभी को ए स्क्वायर से डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डिवाइड बाय ए स्क्वायर टू बोथ द साइड्स, दोनों ही साइड्स को ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, ठीक है, अभी ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, मुझे बताओ आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया इक्वेशन ऑफ यस डिफरेंट कर्व, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सो व्हिच कर्व, व्हिच लाइन इट रिप्रेजेंट और व्हिच इक्वेशन इट रिप्रेजेंट, सो यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, सो वी नो दैट डब्ल्यू के जी, क्या पता है आपको, इक्वेशन ऑफ इलिप्सिस व्हाट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देखो आप यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे कंपेयर करते हो तो तुम्हें ये सभी टर्म्स मिलते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे तुम्हें एक कॉन्स्टेंट मिला, दो वेरिएबल है, ओके, पहला वेरिएबल है v, वेलोसिटी वेरिएबल है, और x क्या है, डिस्टेंस वेरिएबल है, चेंज होने वाले, सेम रहने वाले नहीं है ना, ठीक है, x और y वेरिएबल मिल गए, और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गए, और साइड में वन है, सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज द, इट फॉर्म्स इलिप्स, क्या फॉर्म करेगा ये, इलिप्स फॉर्म करेगा, सो अगर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा है प्लॉट द प्लॉट, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, देखो क्लियर करो, ओके यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ, वहां पे लिखेंगे यार, यस 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 द प्लॉट ऑफ, द प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस एक्सल, दिस दैट इज वेलोसिटी वर्सेस एक्स, एक्चुअली उसको डिस्प्लेसमेंट बोलना गलत होगा, फिर भी हम बोलेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलोसिटी वर्सेस एक्स इन एसएचएम, इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, फर्स्ट सर्कल
सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारा पैराबोला, सेकेंड ऑप्शन है पैराबोला, ठीक है, सी ऑप्शन है तुम्हारा इलिप्स और डी ऑप्शन है तुम्हारा हाइपरबोला। हाइपरबोला पैराबोला पता है ना, ठीक है। सो यहाँ पे प्लॉट ऑफ ई वर्सेस एक्स कौन सा ग्राफ बनाएगा, दैट इज पैराबोला या इलिप्स बनाएगा। सो हियर यू कैन फाइंड आउट दैट इक्वेशन। ओके, सो नोट इट डाउन प्रॉपरली।